हेलो ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल रुचि। आप सभी का मेरे चैनल रुचि पे स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जे डॉलर के बारे में, इसे किस तरीके से यूज करना है और इसके बेनिफिट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो अपडेट्स टाइम पे मिल सके। साथ ही में अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने घर पे बैठ के किस तरीके से लेजर कर सकते हैं और परमानेंट हेयर रिमूवल का बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर चेक करें, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सो ये है जेड रोलर, स्टोन से बना हुआ है। अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं, जेड रोलर पहले चाइनीज यूज किया करते थे अपने चेहरे की मसाज करने के लिए, पर धीरे 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 आज की डेट पे ये काफी फेमस हो चुका है। और मसाजिंग के अपने ही बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और जो भी हम मसाज के टाइम पे ऑयल लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं वो हमारी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करता है और वो सभी बेनिफिट्स हमें देता है जो हमें चाहिए। सो जेड रोलर को यूज़ करने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये कि अगर हमारी स्किन से टॉक्सिन्स निकल जाएं तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है, राइट। इसके अलावा अगर स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े तो उससे हमारी स्किन ग्लोइंग होगी, स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी और इन सब की वजह से रिंकल्स कम पड़ेंगे। सो जेड रोलर का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, या और मुझे नहीं पता कि आपको कभी फेस में पेन होती है या नहीं होती है, लेकिन मुझे फेस में बहुत पेन होती है कभी कभी। या और ये शायद आपको थोड़ा सा फनी भी लगे, यार क्या यार, किसी को फेस में भी पेन हो सकती है क्या? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फेस में पेन होती है कभी कभी। तो जब मैं इससे मसाज करती हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% खत्म हो जाती है या बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन 20-25% तक मुझे इससे रिलीफ मिल जाता है। सो मेरे फेस को रिलैक्स करने के अलावा ये जो जेड स्टोन है ये काफ़ी ठंडा है, इसे टच करते हैं जब स्किन के ऊपर तो काफ़ी ठंडक मिलती है स्किन को। या और अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आइस वाटर में इसे डिप करें, इसे निकालें, क्लीन करें और फिर फेस के ऊपर यूज़ करें। तो जेड रोलर को यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसे अपवर्ड और आउटवर्ड रोल करेंगे लाइक दिस, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। या ये है आंखों के लिए, अंडर आई के लिए, इसे यहाँ पे रखेंगे एंड रोल इट आउटसाइड। या इस तरीके से बाहर की तरफ को रोल करेंगे और ऊपर की तरफ को, नीचे की तरफ को रोल नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ को रोल करेंगे लाइक दिस, फोरहेड लाइक दिस रोल करेंगे। सो नेक के लिए ये प्रोसेस उल्टा है कि आपको इसे नीचे की तरफ को रोल करना है लाइक दिस। इसके अलावा आप जेड रोलर को दिन में दो बार यूज कर सकते हैं अपना चेहरा वॉश करने के बाद। इसके अलावा अगर आप जेड रोलर को लेके अभी भी कंफ्यूज हैं कि इसे किस तरीके से यूज करना है, तो आप उसके लिए किसी टेक्नीशियन की हेल्प भी ले सकते हैं। और साथ ही में जहाँ पे आप स्ट्रोक्स दे रहे हैं वहाँ पे 10 बार से ज़्यादा आप स्ट्रोक्स ना दें। इसके अलावा इसे यूज़ करने से पहले कोई अच्छा सा सिरम, ऑयल या क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने फिलर्स लिए हैं, बुटॉक्स लिया है, या अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, तो जेड रोलर को यूज ना करें। साथ ही में स्किन की पफिनेस को कम करता है और फाइन लाइंस के ऊपर काम करता है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखों के नीचे किसी भी टाइप की कोई भी पफिनेस नहीं है तो मैं इसे आंखों के नीचे यूज नहीं करती हूँ। सो जेड रोलर या फिर किसी भी और स्टोन का जो रोलर है, अगर उसके ऊपर क्रैक है तो फिर आप उसे यूज ना करें, आपके लिए हार्मफुल, स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। साथ ही में ऐसा नहीं है कि आपके पास ये टूल या कोई भी ऐसा टूल होना ही चाहिए, ये सिर्फ एक एड ऑन है आपके स्किन केयर रूटीन में। अगर आपकी पॉकेट आपको परमिशन नहीं देती है या अगर आप टाइट हैं बजट में तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो अपने आसपास के किसी स्टोर में देख सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो जो इसका लिंक है प्रोडक्ट का, शॉपिंग का, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा।
और वेल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जे डॉलर की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी सवाल रहता है जिसके लिए आपको मेरा ओपिनियन चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो अपडेट्स टाइम पे मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।